Now identify a genuine McGraw-Hill book via the transparency code. New editions of our bestsellers, Indian Economy by Ramesh Singh and Indian Economy by Nitin Singhania, are now protected by transparency. To know if your copy is genuine, all you have to do is download the Amazon Transparency app from App Store or Google Play. Scan the transparency barcode with the app. The app will display a green check mark if the book has been verified as authentic. Else, consider it pirated. If you don't find the sticker on the copy, consider it pirated. Grab the latest edition of these books today and keep learning with McGraw-Hill. Hello everyone, my name is Divyansh Singh. I am from Jaipur, Rajasthan. This year I have secured a rank of 49th in Civil Services Examination 2021. My optional was chemistry and this was my fourth attempt. मेरा पहली बार सिलेक्शन 2019 में हुआ था जिसमें मेरी रैंक थी 484. देन सेकेंड टाइम माई रैंक वॉज 425 इन 2020 एंड दिस ईयर इट हैज़ इम्प्रूव टू 49. अ ब्रीफ एजुकेशनल बैकग्राउंड अबाउट मी, आई एक्चुअली ग्रेजुएटेड इन 2016 फ्रॉम IIT दिल्ली. मैंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद आई वर्कड इन माइक्रोसॉफ्ट फॉर अबाउट 1.5 ईयर्स एंड आई देन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन 2018 इटसेल्फ. So this is a session which I planned for chemistry. So let me jump in right to it. The first question is, why should anyone select chemistry? So chemistry select karne ke liye meri two reasons the. First reason was that I was somewhat familiar with chemistry. Maine JEE mein chemistry ko thoda bahut padha tha. I was well accustomed to chemistry. Plus maine kuch courses bhi liye the chemistry ke अपने कॉलेज में, तो थोड़ा बहुत मुझे केमिस्ट्री का पता था. एंड द सेकेंड रीज़न वॉज दैट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू पिक अ साइंस ऑप्शनल, क्योंकि साइंस ऑप्शनल में थोड़ी सर्टेनिटी रहती है प्लस थोड़ी सी डाइवर्सिटी भी रहती है एज कम्पेयर टू अदर GS सब्जेक्ट्स. तो दीज वर प्राइमरीली माई मोटिवेशंस टू पिक केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट. एंड केमिस्ट्री में ब्रीफ में दो पेपर्स हर ऑप्शनल में होते हैं. पहला पेपर जो हमारा होता है वो होता है इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री का, और जो दूसरा सेकंड पेपर होता है वो इंटायरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस्ड होता है. तो प्रिपरेशन के लिए केमिस्ट्री की, सिंस मेरे पास कोई केमिस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं था, सो फॉर प्रिपरेशन आई एक्चुअली मैंने कोचिंग ली थी. डायस करके हैं यहाँ पे ही न्यू दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर में, और वो RK सिंह सर हैं, उनसे मैंने कोचिंग ली थी एंड देट वॉज माई प्राइमरी सोर्स फॉर प्रिपरेशन. सेकेंडली मैंने कुछ टॉपर्स के नोट्स भी रेफ़र किए थे, जैसे अभिजीत सर के नोट्स रेफर किए थे केमिस्ट्री ऑप्शनल के लिए. थर्डली मैंने कुछ बुक्स भी रेफ़र की थी दैट आर जस्ट स्टैंडर्ड बुक्स एंड जैसे क्लेडन हो गई, तो वो सब आपको पता पड़ जाएंगे इफ़ यू टेक केमिस्ट्री. सो इट वॉज द प्रिपरेशन जो थी कंटेंट के हिसाब से वो इन तीनों सबका मिक्स थी. मोस्टली आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम सर्च नोट्स और उसमें थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन मैंने कर लिया था. सेकेंडली हम केमिस्ट्री में देखेंगे तो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री में ऐसे हैं जो कि उनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल मेन ग्रुप केमिस्ट्री हो गई, या फिर एफ ब्लॉक केमिस्ट्री हो गई, या फिर पॉलीमर्स हो गए, बायो इनऑर्गेनिक्स हो गई. तो इन सब के लिए थोड़ा बहुत हमें बुक से, डिफरेंट बुक से रेलिवेंट सेक्शन को कवर करने की ज़रूरत पड़ती है. तो आपको कोई बुक लेने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, यू कैन फाइंड इनफ मटीरियल्स ऑनलाइन और देर आर डिफरेंट चैनल्स. मेरा भी एक टेलीग्राम पर चैनल है, तो आप सीधे उसको रेफ़र कर सकते हैं, यू विल गेट these materials. So book वही खरीदिएगा जो कि काफ़ी relevant हो. छोटे छोटे subjects के लिए आप book मत खरीदिएगा, ठीक है. Now coming to the second part of the preparation, that is the note making. So मैंने chemistry के खुद के short notes बनाए थे जो कि I think was very valuable, especially mains के, mains GS papers के बाद जब हमें एक week का time मिलता है. So I would urge everyone to actually make short notes on chemistry on each and every subject. आप अराउंड 10 पेजेस के नोट्स बना सकते हैं फॉर ईच सब टॉपिक, एंड उससे क्या होगा कि आप बाद में बहुत इजीली रिवाइज कर पाएंगे, स्पेशली इन दोज 5 डेज. सो बहुत ज़्यादा नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक में आप स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं, कुछ इक्वेशंस होती हैं उनका समरी लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत मैकेनिज्म लिख सकते हैं. इससे क्या होगा कि आपके पास एक बहुत ही रेडीमेड मटेरियल तैयार रहेगा जो कि बस आपको आखिरी में जाके रिवाइज करना है. तो नोट मेकिंग I would say was very essential for preparation for chemistry preparation, and this is something that
दैट आई वुड अर्ज एवरी वन टू डू इट. मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, आपको रियलाइज़ नहीं होगा, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट एंड वंस यू स्टार्ट रिवाइजिंग इट, ये बहुत आसान हो जाता है. और काफ़ी फॉर गाइडेंस ऑन शॉर्ट नोट्स, अगेन मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, उस पर मैं अपलोड कर दूंगा, आप उस तरह के नोट्स बना सकते हैं. वैसे अभिजीत सर के नोट्स भी हैं ऑनलाइन, वो थोड़े से बल्की हैं, बट यू कैन रेफर दोज नोट्स एज वेल. नाउ हाँ, नाउ कमिंग टू आंसर राइटिंग. सो आंसर राइटिंग इज समथिंग दैट आई थिंक इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंस ऑप्शनल्स. सो केमिस्ट्री में भी एक आंसर राइटिंग का एक प्रॉपर पैटर्न होता है मेंस में. तो आप ऐसे नहीं लिख सकते जैसे कि हम कभी जेई में या फिर साइंस में पहले किया करते थे कि बस रेलिवेंट थोड़ा बहुत लिख दिया एंड यू आर एक्सपेक्टिंग गुड मार्क्स. तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन को फॉलो करना है, जैसा हम जीएस पेपर्स में करते हैं. सो फॉर एग्जांपल कुछ कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन है, जैसे विटिग रिएक्शन है, तो इफ़ यू नो दैट द क्वेश्चन इज ऑफ विटिग रिएक्शन, आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन को, विटिग रिएक्शन को डिफाइन करना है अपने इंट्रोडक्शन में. देन आपको स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म देना है, दैट विल बी योर बॉडी. और कंक्लूजन फिर आपको देना है कि और क्या हो सकता है, क्या कुछ बाय प्रोडक्ट्स होते हैं कि नहीं होते, आपने वो ऑप्शन क्यों चूज़ किया है, और जो फाइनल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं आपको उनको प्रॉपर बॉक्सेस में लिखना है. अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करें तो अगर आप स्टेप वाइज फॉर्म में आंसर्स को लिख रहे हैं तो दैट विल बी वेरी रेलिवेंट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और उसके साथ साथ में आप अगर कोई स्टेप ले रहे हैं तो अगर आप स्टेप की भी मार्किंग कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल लाइक फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, या फिर आप कुछ इस तरह से लिख रहे हैं कि जो उन स्टेप्स को भी छोटे छोटे उसमें बता रहा है कि उस स्टेप में हो क्या रहा है, अपार्ट फ्रॉम जस्ट मेकिंग दी रिक्वायर्ड डायग्राम्स और रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स और रिएक्शन को दिखाते हुए थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दीजिए कि वाई सम प्रोडक्ट इज़ माइनर, वाई सम प्रोडक्ट इज़ मेजर, क्यों आपने किसी और प्रोडक्ट को नहीं बनाया है. और अगर डिफरेंट इक्वेशन के पाथवेज भी हैं तो आप प्लीज़ उनको दिखाइए उसमें. सो पॉइंट है कि बस आपको जो इंटेंडेड प्रोडक्ट है वही नहीं बना के आना, आपको बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव सा आंसर लिखना है जिसमें हेल्प करेंगे. तो मैं क्या ट्राई करूँगा, मैं ट्राई करूँगा कुछ अपनी कॉपीज़ में अपलोड कर दूँगा, और मैं ये भी ट्राई करूँगा कि कुछ और अलग टॉपर्स की कॉपीज़ आप अपलोड करके आपको दिखा सकूँ कि किस तरीके से हम केमिस्ट्री में आंसर लिखना करते हैं और किस तरह से आंसर लिखने पे मार्क्स दिए जा सकते हैं. अगर हम पेपर वन की बात करें तो उसमें भी आपको सेम ही पैटर्न को फॉलो करना है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन में वही आपको जो भी प्रॉब्लम है, सो फॉर एग्जांपल अगर थर्मोडायनेमिक्स में सेकंड लॉ की बात हो रही है, थर्ड लॉ की बात हो रही है, तो आपको थर्ड लॉ को पहले डिफाइन करना है, सेकंड लॉ को डिफाइन करना है. और वही एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम है, नॉर्मलाइजेशन पे कोई प्रॉब्लम है, श्रोडिंगर इक्वेशन पे कोई प्रॉब्लम है, तो उन्हें पहले डिफाइन करना है. फिर आपको अपनी बॉडी पे मूव करना है, बॉडी पे अगेन आप कैलकुलेशंस दिखाएंगे, सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद कंक्लूजन में आपको लिखना है कि आपका क्या इन्फरेंस है, इससे आपने क्या समझा, और इस तरह से. और फिर फाइनली आपको अपने आंसर को बॉक्स में डालना है, उसकी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना है, आंसर है अगर कोई है तो यूनिट्स में प्रॉपर्ली लिखना है. और यही चीज़ आपको एग्जैक्टली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी फॉलो करनी है. सो आंसर राइटिंग में बहुत ही कॉशियस होकर आप लिखिएगा, बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा कि आपने आंसर लिखा और एग्जामिनर ने आपको कम मार्क्स दिए हैं जस्ट बिकॉज कि आपने उसको प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं किया था और आपको आता है. तो ये बहुत बार होता है, बहुत लोगों के साथ होता है कि आंसर बिल्कुल सही है बट रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने ऐसा कुछ लिख दिया, प्रेजेंटेशन उनकी इतनी अच्छी नहीं थी कि उनके मार्क्स कट गए और इवेंचुअली उनके जो मार्क्स आए वो काफ़ी उनको कम लग रहे थे जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था. हाँ, अगर मैं बात करूँ टाइम टेबल की केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री को मैंने ऑलमोस्ट 50% ऑफ माई टाइम दिया था आफ्टर प्रीलिम्स. सो आप मान के चलिए कि पहले मैं ऐसे नहीं किया करता था कि एक दिन मैं एक टाइम पूरा मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ एक महीने, या फिर मैं एक महीने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ या फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ. मैं हमेशा एक दिन करके पढ़ा करता था. तो अगर एक दिन मैं फिजिकल पढ़ रहा हूँ तो अगले दिन ऑर्गेनिक पढ़ूंगा, फिर उसके अगले दिन इनऑर्गेनिक पढ़ूंगा, ताकि वो चीज़ें साथ में चलती रहें. अगर आप एक के बाद एक करके पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा इशू हो जाएगा, क्योंकि आप पहली वाली चीज़ को पूरा भूल ही जाएंगे. सो मेक श्योर कि आप थोड़ा इंटरट्वाइन करके केमिस्ट्री को पढ़ें. और टाइम टेबल के तौर पर आप ऐसे मान सकते हैं कि मैं रोज़ 3-4 घंटे दे दिया करता था केमिस्ट्री को आफ्टर प्रीलिम्स. और उसमें मेरा पैटर्न ये रहा करता था कि सबसे पहले थ्योरी पढ़ना, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना उस सब्जेक्ट पे, और फिर तीसरी चीज़ क्या रहती थी कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को के क्वेश्चन को देख लेना. सो यही मेजर अप्रोच रहा करती थी फॉर ईच एंड एवरी सब टॉपिक और सब्जेक्ट. इसके बाद अगर टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो टेस्ट सीरीज़ में अगेन मैंने डाइस की ही टेस्ट सीरीज़ ली थी, क्योंकि उसके अलावा कोई और टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल भी नहीं है. दैट इज़ अ गुड टेस्ट सीरीज़, आप उसको ले सकते हैं. उसके साथ साथ मैंने यूपीएससी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को किया था बहुत अच्छे से.
और इसके साथ साथ थोड़े मोटे छोटे मोटे क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइजेस बुक्स में मिलते हैं उन सबको कर लिया था। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इन टेस्ट सीरीज इज दैट यू राइट प्रॉपर आंसर्स, और आप प्लीज़ 3 ही घंटे में उनको उस टेस्ट सीरीज को करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप 3 घंटे के ऊपर निकल जाएंगे तो वही अगेन थोड़ा सा इश्यू बन जाएगा। सो टेस्ट सीरीज में इतना मतलब नहीं है आप कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं, इट जस्ट दैट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दी आंसर्स एंड यू स्टार्ट टाइमिंग इट दो स्टेप्स इन 3 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही रहती है। प्लस उसके बाद आप ये और किया करिएगा, जो आपको 5 डेज और 7 डेज का जो गैप मिलेगा आफ्टर मेंस, उसमें आप थोड़े टेस्ट ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि होता क्या है कि जीएस पेपर्स के बाद हम थोड़ा सा भूल जाते हैं, क्योंकि आप जीएस पेपर्स के 10-15 दिन पहले तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे नहीं। तो उसके बाद जब आपको 5-6 दिन का गैप मिलेगा तो 2 टेस्ट ज़रूर उसमें लिख लिया करिएगा, पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ बोथ ऑफ केमिस्ट्री। तो उससे क्या होगा, आपका फेमिलराइज हो जाएंगे आप जस्ट मेंस में जाने से पहले, तो केमिस्ट्री का आपको कुछ कुछ चीज़ें रहेंगी। प्लस और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं केमिस्ट्री में, जैसे छोटी छोटी चीज़ें क्या होंगी, जैसे कि भाई आप प्लीज़ फेमिलियर रहिएगा कि कैलकुलेटर पर आप कैलकुलेशन ईजिली कर लें, और ये ट्राई करिएगा कि कभी कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो। सो टू डू दैट आप प्रॉपर कैलकुलेशंस कीजिएगा, यूनिट्स वगैरह को हमेशा प्रॉपर लिखिएगा। सो एक आंसर लिखने का भी एक पैटर्न होता है, तो उसे आपको उस पैटर्न को लेते हुए केमिस्ट्री में आगे चलना है। सो और छोटी मोटी मिस्टेक्स को मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूला सही लगाया है और आपका कैलकुलेशन में कुछ एरर है या फिर कोई कैलकुलेशन में इश्यू आ रहा है, तो वो फिर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम कर देगा। तो मेक श्योर आप इन चीज़ों पर भी प्रैक्टिस करें, सिर्फ कंटेंट पर ही ना बहुत ज़्यादा फोकस करें। और केमिस्ट्री में अब एक नई चीज़ क्या होने लगी है, बिफोर 2016 बिफोर 2017 पहले कुछ जो टॉपिक्स हुआ करते थे इनऑर्गेनिक के, या फिर कुछ कुछ जो स्मॉल टॉपिक्स हुआ करते थे, उनकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल एफ ब्लॉक हो गया या मेन ग्रुप केमिस्ट्री हो गई, तो ये सब टॉपिक्स पहले बहुत कम आया करते थे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बट अब एकदम से इन टॉपिक्स के भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं। जैसे इस साल ही नोबल गैस कंपाउंड्स का एक क्वेश्चन था जिसमें 4-5 रिएक्शंस दी गई थी। तो इन टॉपिक्स को छोड़िएगा मत। सो मेक श्योर कि आप इन टॉपिक्स का किसी ना किसी सोर्स से रिवाइज ज़रूर कर लें, या किसी बुक से रिवाइज कर लें, या फिर किसी टॉपर्स के नोट्स से रिवाइज कर लें, क्योंकि इनके सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, क्वेश्चंस आसान आते हैं। इट्स जस्ट दैट कि हमने उन चीज़ों को पढ़ा नहीं होता, तो फिर हम वो काफ़ी हमें डिफिकल्ट लगते हैं। तो वो चीज़ आप ज़रूर करिएगा। और लास्ट में ऐसा भी मत करिएगा कि बस आप केमिस्ट्री ही पढ़ते जा रहे हैं और जीएस नहीं पढ़ रहे हैं मेंस के बाद। सो आफ्टर प्रीलिम्स आप ये इंश्योर करिएगा कि आप 2 सेशन में तोड़ लीजिए अपनी प्रिपरेशन को। तो पहला सेशन आप 3-4 घंटे केमिस्ट्री पढ़िए, और फिर दूसरा जो सेशन होगा उसमें 3-4 घंटे आप जीएस पढ़िए। और केमिस्ट्री में भी जैसे मैंने बताया, तो आपको पेपर 1 पेपर 2 को साथ में पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने बस पेपर 1 ही पूरा पढ़ लिया और फिर उसके बाद आप पेपर 2 पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत ही इंटीग्रेटेड सी प्रिपरेशन करनी है, वही कॉम्प्रिहेंसिव हो पाएगी। उसके साथ साथ में आप कुछ डिफिकल्टीज पर आते हैं कि केमिस्ट्री लेने पर आपको क्या डिफिकल्टी हो सकती है। सो हो क्या रहा है कि कुछ टाइम से केमिस्ट्री का पेपर है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, प्लस थोड़ा सा रैंडम भी हो चुका है। सो वहाँ पे तो आप ये मान के चलिए कि पेपर जो आप देखेंगे केमिस्ट्री का वो बिल्कुल नया सा होगा, ऐसा कुछ होगा यूपीएससी में जो आपने कर नहीं रखा है। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेपर को देख के डिस्करेज नहीं फील करना, डरना नहीं है, ठीक है। सेकेंडली मुझे लगता है कि केमिस्ट्री का पेपर सिंस डिफिकल्ट है तो वहाँ पे कुछ हद तक स्केलिंग भी होती है, ठीक है, तो वो भी होगा। ऐसा नहीं है कि आपका पेपर ख़राब हो गया तो आपके मार्क्स हमेशा कम ही आएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल दिस ईयर आई गॉट 155 इन पेपर 1, जबकि मेरा पेपर 1 अच्छा नहीं हुआ था बिल्कुल भी। सो इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। आपके अगर आंसर्स अच्छे से लिखे हुए हैं, थोड़ी बहुत स्केलिंग भी हो रही है, तो यू कैन स्टिल गेट गुड मार्क्स। सेकेंडली होता क्या है कि केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, सो टाइम मैनेजमेंट के इसमें कुछ कुछ इश्यूज ज़रूर आते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल बहुत मुश्किल हो जाता है केमिस्ट्री को 2 महीने में कवर करना विद 2x और 3x द रिविजन। तो इसलिए मैंने पहले भी बोला इसी वीडियो में कि नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और साथ साथ में आप ये ज़रूर इंश्योर कीजिएगा कि हर टॉपिक को उसका ड्यू टाइम मिले। ऐसा ना हो कि आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर जो बड़े टॉपिक्स हैं उनको पहले पढ़ने की कोशिश की और आपने उन्हीं में इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया कि आप छोटे टॉपिक्स कर ही नहीं पा रहे। सो यूपीएससी अब कंसिस्टेंटली यही चीज़ फॉलो कर रहा है कि अगर कोई भी टॉपिक प्रॉपरली दिया हुआ है सेक्शन में सिलेबस में, तो उस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आ तो रहा ही है। तो आप ये जरूर इंश्योर करिएगा कि आप सबको इक्वल टाइम दें। नाउ आइडेंटिफाई अ जेन्युइन मैग्रो हिल बुक वाया द ट्रांसपेरेंसी कोड। न्यू एडिशंस ऑफ आवर बेस्ट सेलर्स इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह एंड इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया आर नाउ प्रोटेक्टेड बाय ट्रांसपेरेंसी। टू नो इफ योर कॉपी इज जेन्युइन, ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड द Amazon ट्रांसपेरेंसी ऐप फ्रॉम ऐप स्टोर और गूगल प्ले।
scan the transparency barcode with the app. The app will display a green check mark if the book has been verified as authentic. Else, consider it pirated. If you don't find the sticker on the copy, consider it pirated. Grab the latest edition of these books today and keep learning with McGraw-Hill. जो तीसरी चीज जो होती है कि अभी एक्चुअली क्या है कि बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है केमिस्ट्री पे. सो क्या होता है कि भाई आपको एक आधे वही इंस्टीट्यूशंस हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वहीं पे ही उन्हीं पर रिलाई करना होता है. तो इसलिए मैं बोलूँगा एक अपना केमिस्ट्री का एक पीयर ग्रुप जरूर बनाइए, कोई 3-4 लोग का पीयर ग्रुप बनाइए जिसमें आप उनकी हेल्प ले सकते हैं और उनकी गाइडेंस भी ले सकते हैं फॉर प्रिपरेशन. तो एक बार आप पीयर ग्रुप बना लेंगे और आप साथ में आंसर राइटिंग करेंगे, टॉपिक्स को साथ में डिस्कस करेंगे, तो इट बिकम्स वेरी ईजी. स्पेशली जो केमिस्ट्री वाला पार्ट होता है, स्पेशली जो आपके कंसेप्चुअल डाउट्स होंगे वो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे. तो मैं इसलिए बोलूँगा कि आप कुछ केमिस्ट्री वाले ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स को सीक आउट करिए, उनके साथ प्रिपरेशन करिए, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और साथ साथ में ईजी भी हो जाएगी. ठीक है, और कंक्लूजन में मैं यही बोलूँगा कि केमिस्ट्री एज अ ऑप्शनल इज अ गुड सब्जेक्ट. थोड़ा सा हल्का सा बल्कि है और कभी कभार थोड़ा सा अनसर्टेन भी है, बट अगर आप एफर्ट्स अच्छे से डालेंगे तो आपको इसके फ्रूट जरूर मिलेंगे. सो इन द इनिशियल अटेम्प्ट्स आई यूज टू गेट 260, तो 2019 मेरे 260 थे, बट माय केमिस्ट्री स्कोर हैज़ इम्प्रूव्ड कंसिस्टेंटली जैसे ही मैंने इसमें ज़्यादा एफर्ट डालना स्टार्ट किए. इनिशियली मुझे आंसर राइटिंग अभी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट जैसे जैसे प्रिपरेशन की मेरे को आंसर राइटिंग प्रॉपरली लिखनी आई, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, नोट मेकिंग वाला जो मैंने चीज़ बताई वो आई. सो इन 2019 मैंने बताया मेरे 260 थे, इन 2020 ये इम्प्रूव हो गए 276 पे, एंड दिस ईयर आई गॉट 296. आई थिंक दैट इज द हाइएस्ट स्कोर इन केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री में आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बट आई वुड से इट्स मच मोर रिवॉर्डिंग देन जीएस सब्जेक्ट्स. प्लस एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी रहता है कि इसमें सब्जेक्ट और कंटेंट कॉन्स्टेंट है, ये स्टैटिक कंटेंट है इसका, तो इसमें हर साल चेंज नहीं होगा. सो एक साल जो आपने प्रिपेयर कर रखा है सो बहुत ईजी होता है फॉलो अप करना और अगले साल के लिए, क्योंकि कुछ ज़्यादा वहाँ पे चेंजेस नहीं है. सो यू कैन टेक केमिस्ट्री एज एन ऑप्शनल, और इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप थोड़ा भी केमिस्ट्री से फेमिलियर हैं, इफ़ यू रियली लाइक द सब्जेक्ट और आपको लगता है पढ़ पाएंगे, सो देर इज़ इनफ मटीरियल दैट इज़ अवेलेबल और गाइडेंस भी मिल जाती है. सो आप केमिस्ट्री बिल्कुल ले सकते हैं. थैंक यू, आई होप फॉर द बेस्ट इन योर फ्यूचर, एंड थैंक यू वेरी मच.